ऑनलाइन हैकर। आजकल इंटरनेट के मिसयूज से लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के लूटा जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 21 साल के आयुष के साथ। आयुष नया नया ग्रेजुएट हुआ था। ग्रेजुएशन खत्म होते ही उसके सारे दोस्तों की नौकरी लग गई थी, बस उसी की नहीं लग पा रही थी। आयुष ने कई जगह अप्लाई किया मगर हर जगह से रिजेक्शन ही पाई। वो धीरे धीरे सारी उम्मीद खो रहा था मगर एक दिन अचानक उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। सुनीता नाम की किसी लड़की ने आयुष को नौकरी से रिलेटेड मैसेज भेजा था। आयुष ने तुरंत उसका रिप्लाई किया और सुनीता भी उससे बात करने लगी। सुनीता ने आयुष को बताया कि वो एक US की कंपनी के लिए काम करती है और अगर आयुष चाहे तो वो बिना किसी स्किल के उनके लिए काम कर सकता है। ये सुनकर आयुष खिल उठा। उसने सुनीता से जॉब डिटेल्स मांगी तो उसने बताया कि आयुष का काम होगा यूट्यूब की वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना और हर एक वीडियो के लिए उसे 150 रुपए मिला करेंगे। आयुष ये सुनकर बहुत खुश हो गया। इसके बाद सुनीता ने आयुष से उसकी डिटेल्स एक फॉर्म में भरवाई और उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया। उस ग्रुप में ढेर सारे लोग थे जो पेमेंट रिसीव्ड के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर रहे थे। आयुष ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया। कुछ देर बाद सुनीता ने उसे एक YouTube वीडियो का लिंक भेजा। जब आयुष ने उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया तो सुनीता ने आयुष से उसके बैंक डिटेल्स ले लिए। कुछ ही देर में आयुष के अकाउंट में 150 रुपए क्रेडिट हो गए। ये देखकर आयुष बहुत खुश हो गया था। अब वो एक्टिवली सुनीता के भेजे हुए लिंक्स पर काम करता और छोटे मोटे अमाउंट कमा लेता। लेकिन 2 दिन बाद सुनीता ने आयुष को बताया कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके और बहुत सारे पैसे बहुत जल्दी कमा सकता था मगर उसे कम से कम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आयुष जल्दी पैसे कमाने की लालच में आ गया और उसने अपने दोस्त से उधार पर 1.5 लाख रुपए मांगे और सुनीता के बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद काफी वक्त बीत गया मगर सुनीता का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। आयुष ने देखा कि वो अपने टेलीग्राम ग्रुप से भी बाहर हो चुका था और तो और सुनीता का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो एकदम से गायब हो चुकी थी। इंडिया में अब हर फोन हर स्क्रीन एक पोटेंशियल क्राइम सीन बन चुका है। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन हैकिंग से जुड़े केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी ही रियल लाइफ केसेस पर एक नई वेब सीरीज आई है हैक क्राइम्स ऑनलाइन, जो कि Amazon मिनी TV पर आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। हैक क्राइम्स ऑनलाइन एक मस्ट वॉच सीरीज है क्योंकि वो डिजिटल हैकिंग की हर गलत एक्टिविटीज और क्राइम से हमको सावधान करती है और वो भी एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से। अपनी Amazon शॉपिंग ऐप ओपन करो और मिनी TV पर क्लिक करके देखो कि कैसे ACP आशुतोष मलिक एक यंग इन्वेस्टिगेटर शक्ति और एक ऑनलाइन हैकर्स की टीम के साथ एक से एक मुश्किल क्राइम केसेस सॉल्व करते हैं। शो की लिंक पिंड कमेंट में। लेकिन वहीं आयुष की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया आयुष का दोस्त उससे बार बार अपने पैसे वापस मांगने लगा। एक दिन आयुष बहुत परेशान हो गया और उसने अपने घर पर सब कुछ सच सच बता दिया। तब आयुष की फैमिली ने इस फ्रॉड के केस को साइबर क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट किया। ऐसे कई केसेस जब साइबर क्राइम के पास आए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे, जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट थे, उन्हें कॉन्टैक्ट किया। अमित दुबे को पता चला कि साइबर क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हें उन क्रिमिनल्स की तरह ही सोचना पड़ेगा। इसलिए अमित ने इंटरनेट के बेस्ट हैकर्स की एक टीम बनाई और लग गए साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व करने। आयुष के केस से जुड़ी सभी डिटेल्स चेक करने के बाद अमित को यह पता चला कि सुनीता का सिम और अकाउंट तो अनोनिमस था, लेकिन फिर अमित ने बड़ी चालाकी से किसी दूसरे नंबर से सुनीता को मैसेज किया और नौकरी मांगने के बहाने उससे जुड़ गए। पूरा प्रोसेस वापस से रिपीट हो रहा था और सुनीता ने दोबारा 1.5 लाख इन्वेस्ट करने की बात शुरू कर दी थी। जब उसने अपना अकाउंट नंबर अमित के साथ शेयर किया तो वो कोई दूसरा अकाउंट था जो कि किसी किसान के नाम पर था। सुनीता ने उस किसान की आइडेंटिटी चुरा ली थी। ट्रेस करने पर पता चला कि वो अकाउंट पानीपत का था। टीम ने तुरंत पानीपत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उस अकाउंट की ऑनलाइन एक्टिविटी बंद कर दी। अब वो वेट कर रहे थे कि सुनीता कब पैसे निकलवाने किसी ATM पर पहुंचेगी। थोड़े टाइम वेट करने के बाद उस अकाउंट में एक ATM विड्रॉल की रिक्वेस्ट आई और पुलिस तुरंत उस ATM की लोकेशन पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि वहां कोई औरत नहीं थी बल्कि एक आदमी ATM से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने फौरन उसे अरेस्ट कर लिया। सुनीता असल में अब्दुल अली नाम का एक लड़का थी जो कि एक लड़की की प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगता था। पुलिस ने उसे और उसकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया और जितने भी लोगों से उन्होंने पैसे ठगे थे
उसे रिकवर किया गया। इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे और उनकी होनहार टीम ने इंटरनेट की हेल्प से कई पेचीदा क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए हैं, जिन्हें सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। उन्हीं ट्रू केसेस से इंस्पायर्ड है अमेज़न मिनी टीवी की नई वेब सीरीज हैक क्राइम्स ऑनलाइन। देखना मत भूलना। अपनी अमेज़न शॉपिंग ऐप पर जाओ और क्लिक करो मिनी टीवी का बटन और देखो हैक क्राइम्स ऑनलाइन बिल्कुल फ्री। शो की लिंक पिंड कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारा चैनल द क्राइम शो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और अगर आपको भी ऐसे साइबर फ्रॉड्स के बारे में पता है तो हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करिए।